मेरी बेटी का काम है, तो फैसला यह हुआ कि जो जाती हुई जवानी बटा दे उसे यूसुफ कहते हैं, जो जाती हुई जिंदगी बटा दे उसे फातिमा कहते हैं, और जो पूरे निजाम शमसी को बटा दे उसी को अली कहते हैं। और गुस्ताखी करने वाला ये जान ले गुस्ताखी करने वाला कि उसका ताल्लुक यहूदियत से होगा, इस्लाम से नहीं होगा। मैं इस पर बात ही नहीं करता, कि विरासत थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो हदीस सामने से आती है वो तो यही है कि नहनु माशर नबिया ला नरिस वला नूरिस, कि बीबी हम क्या करें, आपके बाबा कहते हैं कि हम अंबिका लोग विरासत देते हैं ना विरासत देते हैं। पता नहीं भाई, मेरा बाप अगर चाहेगा तो वसीयत मुझसे करेगा या बाहर वालों से करेगा ना, तो नबी को ये बात बता के जानी चाहिए वारिसों को और बता के जा रहे बाहर वालों को कि बीबी हम क्या करें, हम आपको दे देते ये बात, हम ये बात दे देते, लेकिन आपके बाबा कह रहे हम नबी लोग हम अंबिया लोग ना विरासत देते हैं ना विरासत देते हैं। तो एक छोटी सी आयत सूरह मरियम में मिली, अल्लाह कहता कल कल जन्नत उन्नति नूर को मेरे बाद बन कर रखा दिया, अल्लाह कहता हमने अपने जन्नत का वारिस, हमने अपनी जन्नत का वारिस अपने मुत्तकी बंदों को बनाया है, तो अल्लाह कहता है हमने जन्नत का वारिस मुत्तकी बंदों को बनाया है। वो मुत्तकी बंदे कौन है, मेरा मोहम्मद मुत्तकी, मेरा अली मुत्तकी नहीं, मेरे पंजाबी मुत्तकी, और अल्लाह कहता मैंने जन्नत का वारिस इनको बना दिया, ताकि और नसीब तो हमारे पास है, हमने जन्नत का वारिस अपने मुत्तकी बंदों को बना दिया। अब मुझे पता चल गया कि कल जब कयामत के मैदान में ये मुसलमान गले में कुरान लटका के आएगा कि या रसूल अल्लाह हमें जन्नत दे दो, तो मेरा मोहम्मद यही तो कहेगा हम विरासत लेते हैं ना विरासत देते हैं।